दोस्तों, हमारे पृथ्वी पर वैसे ही नई नई मुसीबतें आ रही है। इन्हीं मुसीबतों के बीच वैज्ञानिकों ने एक हैरान कर देने वाली जानकारी दी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारी पृथ्वी विनाश की तरफ जा रही है, हमारी दुनिया जल्द ही बर्बाद हो सकती है। आइए जानते हैं ऐसा क्या कारण है जिससे हमारी पृथ्वी का विनाश हो सकता है। दोस्तों, वैसे ही हमारी दुनिया जलवायु संकट से गुजर रही है। कभी तेज बारिश होती है तो कभी तापमान के कारण तेज गर्मी। इसी जलवायु संकट के कारण सदियों में आने वाले तूफान अब हर साल आएंगे। समुद्र का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बढ़ता तापमान, पिघलती बर्फ और ग्लेशियर, बिजलियों का धरती पर गिरना, ये सभी ऐसे कारण हैं जो पृथ्वी का विनाश कर सकते हैं। वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है कि ये सभी घटनाएं हमें धरती के विनाश की सूचना देती है। अगर ऐसे ही चलता रहा और इन समस्याओं से बचने के लिए कोई उपाय नहीं किए गए तो धरती का अंत जल्द ही हो जाएगा। वैज्ञानिकों ने इस संबंध में जलवायु रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट के अनुसार 70-80 साल बाद ये बाढ़ 100 गुना तक बढ़ जाएगी। तापमान में 4 डिग्री तक इजाफा हो जाएगा जिससे बर्फ पिघलने लगेगी और समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा जो कि जल्द ही तटीय शहरों को पूरी तरह से डुबा देगा। वर्तमान गणना के अनुसार दुनिया में 7000 तटीय इलाके ऐसे हैं जो जल्द ही हमें डूबते नजर आएंगे और साल 2100 के बाद दुनिया में एक भी तटीय शहर नहीं बचेगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारी पृथ्वी के विनाश की शुरुआत हो चुकी है और जल्द ही इससे बचने के उपाय नहीं किए गए तो पृथ्वी को कोई नहीं बचा सकता। और दोस्तों, इस विनाश का सबसे बड़ा कारण है इंसान। इंसान प्रकृति से लगातार खिलवाड़ कर रहा है जो कि धरती का विनाश बन सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है किस देश की वजह से हमारी पृथ्वी का विनाश हो सकता है? उस देश का नाम कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आप भी धरती को बचाना चाहते हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया।